फ्रेंड्स, आपका स्वागत है निष्का किचन में। आज आपको हम बताएंगे समोसे कैसे बनाए जाते हैं। चटपटे और कुरकुरे समोसे बच्चों को बहुत पसंद आता है। समोसा सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। समोसा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 200 ग्राम हमने मैदा लिया हुआ है। 3 बड़े चम्मच हमने देसी घी लिया हुआ है। 10-12 बॉयल किया हुआ आलू लिया हुआ है। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया हुआ है। 1/2 चम्मच गरम मसाला। 1 चम्मच हमने चाट मसाला लिया हुआ है। 1 इंच हमने अदरक लिया हुआ है बारीक कटा हुआ। 1 हरा मिर्च लिया हुआ है, इसको हमने बारीक काटा हुआ है। लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे इसमें, लाल मिर्च से ज़्यादा तीखा हो जाएगा। बॉयल किया हुआ हमने मटर लिया है। 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1/2 कटा हुआ नींबू का रस हमने निचोड़ा हुआ है। नमक स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच हमने अजवाइन लिया हुआ है, फ्रेश हरा धनिया, और 1 गिलास हमने पानी लिया हुआ है मैदे को गूंथने के लिए। चलिए अब हम मैदे का डो तैयार करते हैं। चलिए समोसे का डो तैयार करते हैं। इसमें हम नमक डालेंगे, अजवाइन डालेंगे। अच्छा डो बनाने के लिए इसमें हम घी डालेंगे। इस सबको अच्छे से मैं मिला लूंगी इसमें। इसमें हम देसी घी डाल रहे हैं। आप इसमें कोई भी ऑयल या घी डाल सकते हैं मैन देने के लिए। ये देखिए हमने ये सबको मिला लिया है इसमें। ये हमने जो देसी घी का मैन दिया है, ये देखिए इसको ऐसे करने पे ये ऐसे हो रहा है। इसमें हम पानी कम डालेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसका आटा मुझे जो है, इसका डो जो है मुझे हार्ड बनाना है, ज़्यादा गीला नहीं बनाना है। इसलिए हम इसको थोड़े थोड़े पानी करके इसको हम जो डो को तैयार करेंगे तो ज़्यादा गीला हो जाएगा, तो ये पूरी जैसा बन जाएगा। और सा और पानी डाल लेते हैं। ये देखिए डो हमारा बनने लगा है। डो हमारा बन गया है। ये हार्ड बहुत है डो, ये जो हमारा है इसको हार्ड ही बनाना है। ये देखिए हमारे समोसे का डो बन के तैयार हो गया। ये देखिए हमने बहुत ही टाइट और बहुत ही हार्ड इसका डो तैयार किया है। ये मुलायम नहीं है, ये हार्ड है इसका डो, जिससे कुरकुरा और खास्ता बनेगा। इसको मैं 25 से 20 मिनट तक ढक के रख देती हूँ। चलिए समोसे का स्टफिंग तैयार करते हैं। चलिए समोसे का स्टफिंग बनाते हैं। कढ़ाई में रख दिया है, तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम जीरा डालेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक, हरा मटर, मिक्स कर लेते हैं। बॉइल किया आलू तोड़ के डालेंगे। ज्यादा आलू को मैश नहीं करेंगे, थोड़ा टुकड़ों में रहने देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलू को मटर में। हरी मिर्च डाल देंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, नींबू का रस, आप चाहे तो इसकी जगह पे अमचूर डाल सकते हैं, हरा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। ऑप्शन है हल्दी, आप मुझे डालना चाहते तो कलर के लिए डाल सकते हैं। मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ। सबको मिक्स कर लेते हैं। देखिए स्टफिंग बनके समोसे का मैं तैयार हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे। इसको एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। चलिए हमारा 20 से 25 मिनट हो गया है। अब हम इसमें समोसा पहले थोड़ा सा डो लो ही लेते हैं। दोनों हथेलियों से इसको गोल बनाते हैं थोड़ा। ये देखिए, देखिए हमारा ऐसे गोल सा हो गया है। हार्ड है इसका आटा, जो इसका डो तैयार किया है हमने, ये हार्ड है। इसको हम बेलेंगे थोड़ा दबा के ऐसे। ऐसे इसको रोटी तरह घुमा घुमा के ऐसे बेलते रहेंगे हम। थोड़ा इसको लंबाई में बेलेंगे, ज़्यादा मोटा या पतला ना रहे हमारा।
चारों तरफ से घुमा के बेलते हुए, जहां मोटा रहेगा उसको भी पतला कर लेंगे हल्का। देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया है। इसको हम दो भाग करेंगे, इसको चाकू से हम दो भाग काट लेंगे। एक भाग को उठाएंगे हम इसे हथेलियों पे रखेंगे, इसका आधा भाग जो है हम हथेलियों पे रखेंगे, और ये साइड का आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले हम पानी लगाएंगे थोड़ा इसको फोल्ड करने के लिए। इसमें देखिए पानी लगा दिया है, अब इसको यहाँ से थोड़ा सा दबा के यहाँ पे एक प्लेट मार के इसको ऐसे मोड़ेंगे। देखा आपने, इसको मैंने फोल्ड कर दिया। अब इसमें हम समोसे का स्टफिंग भरेंगे। अब यहाँ पे जो किनारे पे इसके यहाँ पानी लगाएंगे फिर इसको फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पे साइड में हम एक प्लेट देंगे, आपने देखा है यहाँ पे एक मैंने प्लेट मारा है, यहाँ इसको फोल्ड किया है, थोड़ा मोड़ा है हमने। अब इसको दबा के चारों तरफ से मोड़ देंगे ऐसे। देखिए मैं समोसा बन के तैयार है। देखिए हमने इसको बनाया है, और ऐसे ही हम और समोसे बना लेते हैं। ये देखिए समोसा सारे हमने बना लिए हैं, और चलिए गैस ऑन करते हैं, तेल गरम करते हैं। ये देखिए गैस हमने ऑन कर लिया है, तेल हमारा गरम हो गया है। एक बार हम छोटा सा चेक करते हैं तेल हमारा कितना गरम हुआ है, उसके बाद समोसे डालेंगे। देखिए तेल में फूलने लगा है, तेल हमारा गरम हो गया है, तेल हमारा गरम हो गया। अब इसमें हम समोसा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके समोसे में डालेंगे, जितना कढ़ाई में आ सकता है। इसको हम पलट देते हैं, गैस को हम स्लो कर लेते हैं। समोसे को हम हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे, गैस धीमा रखेंगे, जो उसका अंदर का जो स्टफिंग है अच्छे से एकदम सीज जाए। दोनों तरफ से पलटते रहेंगे, जले ना समोसे हमारे। ये देखिए समोसा हमारा एकदम ब्राउन हो गया है, अच्छे से सीज भी गया है। अब इसको एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। ऐसे ही समोसे और हम तेल में तलेंगे। ये देखिए समोसा हमारा बन के तैयार है, बहुत ही अच्छा समोसा बना हुआ है, बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही टेस्टी समोसा हमारा बना हुआ है। आप इसको चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हम फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में। ओके बाय।